हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैंने ये देखिए मावा पेड़ा बनाए हैं, और दिवाली पे काफी सारी मिठाइयाँ बनाते हैं हम, और जब हम बाहर से लेके आते हैं तो मिठाइयों में काफी सारी मिलावट होती है। ये देखिए, इस तरह से हम घर पे इसे फटाफट से 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, और एकदम साफ और शुद्ध बिना किसी मिलावट के। जब हम बाहर से दिवाली के या कोई भी ऐसे त्योहारों के टाइम पे मिठाई वगैरह लेके आते हैं तो उसमें काफी सारी मिलावट होती है। ये देखिए, मैंने ये घर पे बनाया है। इसे बनाने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, और ये काफी टेस्टी होती है और बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती है। आप इसे दिवाली पे जरूर ट्राई करें। आप इसे घर पे बहुत ही कम चीजों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ मैंने इस तरह से गोल पेड़े बनाए हैं, और थोड़ा सा मैंने इस तरह से कुछ डिजाइन वाले पेड़े बना के तैयार किए हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो मावा खोआ, ये हमारा 500 ग्राम है, और ये एकदम फ्रेश है और सॉफ्ट वाला है। अगर आपके पास पहले से रखा पड़ा है तो उसे थोड़ा सा फ्रिज से बाहर निकाल दें। और मैंने 250 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है, 500 ग्राम मावा है, 250 ग्राम चीनी पाउडर। और हम इसे एक पैन में डाल देते हैं और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसे हम हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई पे जल सकता है और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और हम इसमें अब डाल देते हैं ये शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी, हमने इसको मिक्सर जार में ही बना लिया था घर पे ही, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे अच्छे से जब तक ये एकदम डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब हम थोड़ा सा इसमें केसर के धागे डाल देते हैं, काफी अच्छा फ्लेवर देंगे उसके, काफी अच्छा कलर आएगा उससे। ये देखिए, केसर अच्छे से कलर दे दिया केसर ने, इस तरह से देखिए। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है रोज एसेंस, दो तीन ड्रॉप डालनी है, काफी अच्छा सा टेस्ट आता है इससे, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आता है इससे। और ये देखिए, ये काफी अच्छे से हमने इसको पका लिया है। इसको इस तरह से पकाते हुए हमें 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और अच्छा फ्लेवर देने के लिए, और अच्छा बेहतरीन टेस्ट आएगा इसमें। काफी अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं खूब अच्छे से अब सारी इलायची पाउडर को। और देखिए, एकदम आटे का डो बनता है जैसे, इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के बाद हम थोड़ा सा हाथ में घी लगाएंगे, और एक हम चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा इसका पार्ट लेंगे और इसे हाथों के बीचों बीच रख के इसे अच्छे से गोल शेप देंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन देंगे। डिजाइन देने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम इसको ऐसे गोल पेड़े भी बना सकते हैं। अगर डिजाइन वाला बनाना है तो मैंने एक ये इस तरह से बड़ा सा कोई ये लिया है, झारा लिया है। इसके पीछे वाले हिस्से से हम इसको नीचे को हल्का सा दबाएंगे हथेली के बीच में रखने के बाद। ये देखिए, इस तरह का डिजाइन आ जाएगा इस पे हल्का सा जब हम, और हम इसी तरह से और बनाते हैं। ये देखिए, इसका पीछे वाला हिस्सा जो इसके ऊपर रखेंगे और इसे दबाते हुए इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा पैटर्न आ जाता है इसमें। अगर आपको कोई और पैटर्न के बनाने हैं तो आप दूसरा पैटर्न का भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं फटाफट से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल है, और बनाने में कितना मिनट लगता है, केवल 10 या 12 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने में, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे बनाने में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। आप इसे इस तरह से दिवाली पे बना के तैयार कर सकते हैं। हम जब बाहर से ये सारी चीजें लेके आते हैं ना, ऐसी मिठाई तो काफी महंगी होती है, लेकिन वो उसमें कई सारी चीजें मिलावटी चीजें मिलाई जाती है। जैसे इसमें हमने खोए की जगह वो लोग मिल्क पाउडर डालते हैं, और मूंगफली को पीस के उसका पाउडर डालते हैं, तो कई सारी चीजें मिली हुई होती है। और देखिए, मैंने ये थोड़ा सा गोल वाले पेड़े भी बना के तैयार कर लिए। ये देखिए, बिना पैटर्न के खाली हाथों के बीचों बीच रख के इसे अच्छा सा गोल शेप दे दिया है। तो ये देखिए, हमारे ये केसर मावा पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर एक एक केसर लगा देते हैं सबके ऊपर से। देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। हम इन सब के ऊपर एक एक केसर का धागा लगा देंगे, और कोई अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट लगा के तैयार कर सकते हैं।